अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 10 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम श्रीलंका के लिए दोनों टीमें वीरवार को धर्मशाला पहुंच गईं। श्रीलंका की टीम 12:15 पर और भारतीय टीम 1:15 पर कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंची। यहां से दोनों टीमें गग्गल, शिला व दाढ़ी होकर कंडी स्थित HPCA के होटल द पवेलियन के लिए रवाना हो गई। 8 दिसंबर को श्रीलंका की टीम सुबह 9 से 12 बजे व भारतीय टीम दोपहर 3 से 6 बजे तक अभ्यास करेगी। 9 दिसंबर को सुबह श्रीलंका टीम व शाम को भारतीय टीम नेट प्रैक्टिस करेगी। 10 को सुबह 11:30 बजे मैच शुरू होगा। दोनों टीमें 8 और 9 नवंबर को स्टेडियम में अभ्यास भी करेंगी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर इस बार स्टार क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का जलवा देखने को नहीं मिलेगा, जिससे उनके फैंस में मायूसी भी देखने को मिल रही है। HPCA के प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि दोनों टीमें यहां पहुंच गई हैं और दोनों टीमें 8 और 9 नवंबर को स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बहुत समय के बाद यहां मैच हो रहा है तो स्टेडियम पैक होगा। संजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने यूथ की डिमांड को देखते हुए टिकटों के रेट कम कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि 1,250 और 1,000 के टिकट को कम करके 600 और 500 रुपए का कर दिया गया है। 10 तारीख को होने वाले भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय मैच को लेकर के जो है वो आज दोनों टीमें गगल एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली हैं। उन टीमों का स्वागत करने के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। दोनों टीमें जो हैं वो इसके बाद होटल जाएंगी और वहां से जो है वो कल और परसों दोनों टीमें यहां पे अभ्यास करेंगी और 10 तारीख के मैच जो है वो यहां पे 11:30 बजे धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा और दर्शकों के बैठने और दर्शकों की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की द्वारा भी जो है वो पूरे कर लिए गए। सर, कितने की हमें लोगों की उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि पूरा स्टेडियम जो है वो पैक जाएगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद एक दिवसीय मैच जो है वो यहाँ पे हो रहा है। प्रैक्टिस कब करेंगे? प्रैक्टिस भारत की टीम जो है वो आज भी करेगी, अभी कुछ खिलाड़ी जो है वो आज करेंगे, बाकी उनका जो है वो 8 और 9 का दोनों टीमें जो है वो अभ्यास करेंगी। सर, विराट कोहली क्या आ रहे हैं? विराट कोहली वो टीम अभी टीम मैनेजमेंट आकर के बताएगी कि कौन कौन खिलाड़ी आ रहे हैं। और सर, कुछ लोगों का कहना है कि टिकटें इस बार महंगी है। नहीं, टिकटों के रेट जो है वो कल हमारा एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, उसमें क्योंकि हमारे पास यूथ की बहुत डिमांड थी, स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी, तो उसको चलते हुए जो 1,250 और 1,000 रुपये की टिकट थी उसको 600 रुपया और 500 रुपया जो है वो कर दिया गया है। वो ऑनलाइन भी जो है वो इसी रेट के ऊपर उपलब्ध है और जो ऑफलाइन है बॉक्स ऑफिस पे भी इसी रेट के ऊपर जो है वो उपलब्ध है। महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ID कार्ड दिखा करके वो जो है वो अपना ले जा टिकट वहाँ पे टिकट काउंटर पे भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने इस रेट्स की पहले ली है उनको पेटीएम की तरफ से जो है वो कुछ डील जो है वो बॉक्स ऑफिस पे ही उनको बता दी जाए। गगल एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए सैकड़ों फैंस पहुंच गए थे। उनका यही कहना है कि विराट कोहली के ना आने से उन्हें मायूसी जरूर है, लेकिन एक अच्छा मैच देखने की उम्मीद उन्होंने जताई।